एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। यार तुम्हें तो मेरा पता ही है कि अगर इंटरनेट में मैं कोई चीज़ ढूंढने जाऊँ कि मुझे कुछ चाहिए, लेकिन उसके अलावा मैं 10 चीज़ों में भटक जाती हूँ। इतनी चीज़ें रेकमेंड होती है, इतनी ऐड्स आती है यार ऑल ओवर द इंटरनेट। तो इस बार मेरे को नायका के इतने ज़्यादा वियर्ड प्रोडक्ट्स रेकमेंड हुए, पहले तो देख के मैं हैरान हो गई कि ये चीज़ें नायका पर भी मिलती है। एंड ऑब्वियसली फिर मुझे ट्राई तो करना ही था, तो अभी देखते हैं कि वो चीज़ें रियल में मेरे पास आई भी हैं या नहीं, क्योंकि मैंने कुछ खोला नहीं है। एंड देखते हैं कि स्कैम तो नहीं हुआ हमारे साथ। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मेरे पास है ये बॉक्स जिस पर लिखा है स्मूच बाय सो। कहना क्या चाहते हैं और ये है क्या? इसमें इतने बड़े बड़े लिप्स बने हुए हैं। इज इट अ लिप मास्क या फिर कोई लिप प्रोडक्ट है? व्हाट इज दिस? ये वैसे मेरे को 389 रुपीज़ का पड़ा है, जो भी है मेरे हाथ में। तड़ा, ओ भाई साहब, पूरे लिप्स आए इसके अंदर, इतने ग्लॉसी लिप्स। उफ ये लिप्स। तो गाइज ये एक्चुअली में है एक परफ्यूम, बहुत ही छोटा सा परफ्यूम, लाइक इट्स वेरी टाइनी। एंड ये तो इसका सिर्फ कैप है। ऑनलाइन परफ्यूम्स मुझे कभी समझ नहीं आते हैं, इसे पकड़ना बहुत मुश्किल है, इट्स वेरी छोटा। इट्स सो नाइस, इट्स लाइक फ्रूटी एंड फ्लोरल मिक्स, इट्स सो नाइस एंड सो रिच। ऐसे लग्जरी परफ्यूम जैसी खुशबू आ रही है। 389 रुपीज़ का पड़े, बट ये बहुत छोटा है। बट वाह, मेरे को इतनी जल्दी परफ्यूम्स की खुशबू समझ नहीं आती, बट दिस इज एक्चुअली नाइस भाई साहब। वाह, और ये सुंदर भी है दिखने में। लाइक दिस इज समथिंग जो मैं रखना चाहूँगी अपने घर में, ऐसे कुछ अतरंगी वियर्ड सा कि लोग कहें कि क्या है, फिर मैं कहूँगी टडा परफ्यूम आपको लगाना है। हमने हमेशा बॉडी सनस्क्रीन या फिर फेस सनस्क्रीन के बारे में सुना, लगाते भी हैं, लेकिन पहली बार मुझे स्पेशली लिप्स के लिए सनस्क्रीन मिला है, लिप सनस्क्रीन। दिस इज क्रेजी, मुझे पता भी नहीं था ऐसी चीज़ कोई आती है या मार्केट में अवेलेबल भी होगी। इसकी पैकेजिंग वैसे पूरी ऐसे येलो सन, दिस इज सो क्यूट लिप सनस्क्रीन। इसमें SPF 40, ये 40 इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, कितना मस्त लग, ऐसा ट्यूब लग रही है ये। ओके, पहले देखते हैं कैसा है। इट्स हल्का सा पिंकी, हाँ हल्का सा पिंक शेड आ रहा है। इट्स ग्लॉसी, इसकी खुशबू बहुत वियर्ड है। ये मेरे को 579 रुपीज़ का पड़ा है। ओके, इट्स लाइक नॉर्मल लिप ग्लॉस, आई डोंट नो। ऐसे तो देखो पता नहीं चलने वाला, सनस्क्रीन की टेस्टिंग भी समझ नहीं आती कि वो एक्चुअली में वर्क कर रहा है। ये थोड़ा सा ऐसे कलर चेंज किया ना, मैं ना हमेशा मन्नी को बोलती हूँ कि तेरे लिप्स को तो प्रोटेक्ट करने के लिए तेरी मूछें है, हमारा क्या। फाइनली कुछ प्रोडक्ट मिल गया यार लिप्स को सन से प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि एक्चुअली में काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम आती है। एंड काफ़ी लोग सनस्क्रीन भी लगाते हैं लिप्स पे, क्रिकेटर्स भी लगाते हैं ना, आई गेस मैंने देखा है। यार ग्लॉसी लिप्स हो गए हैं मेरे, लेकिन आई डोंट नो कि मेरे सन से एक्चुअली में प्रोटेक्ट करेगा या नहीं। इतनी महंगी चीजें मैंने हाथ से गिरा दिया। अरे यार नाच मत, इधर आके नाच। मेरे को 189 रुपीज में ऐसे फेस एंड बॉडी ज्यूल्स मिले हैं, दिखने में कितने सुंदर लग रहे हैं। मेरे को लगा था कि इसके साथ लाइक ग्लू भी आएगा, बट मेरे को लग रहा है स्टिक ऑन जाएगा, क्योंकि ग्लू आया नहीं है। तो ट्राई करते हैं, ऐसे पीछे से खुल गया। क्यों क्यों हो रहा है ये मेरे साथ, ढंग से क्यों नहीं ओपनिंग हो पाती मेरे पास पैकेजिंग। ओके, कितने मस्त लग रहे हैं, कितने इसमें बहुत सारे। ओके, पता है मेरे को मैथ्स ये नहीं है कि मुझे पसंद नहीं है, आई एम जस्ट लेजी। मतलब मैं क्यों काउंट करूँ, मेरा मन ही नहीं कर रहा, मैं थक जाती हूँ, हो गया मेरा। ऐसे मुझे सितारा बनना है, ऐसे चिपक गया ये, ऐसे यहाँ लगा लिया, ये यहाँ लगेगा। मन्नी को देखो ये चीजें करने में तो बड़े मजा आता है। मॉडल हूँ मैं तेरी, मस्त। ऐसे सुंदर लड़की आ गई है तो कैमरे के सामने, भाई साहब कितना बढ़िया लग रहा है कॉन्सर्ट्स वगैरह में, कितना बड़ा। इसको तो देख लो, ये कितना सुंदर लग रहा है, माथा दिखा। दिस इज नाइस, दिस इज फन ऑल्सो। एंड इनको मैं वापस ऐसे लगा भी सकती हूँ, तो ये मेरे रीयूज भी हो जाएंगे। ये कोई बढ़िया चीज़ लगी यार, ये लग रहा है कि हाँ वर्थ स्पेंडिंग या मनी ऑन। एंड इतना मेरे को एक्सपेंसिव भी नहीं लगा, कंसिडरिंग ये रीयूज भी हो रहा है। तो हाँ थोड़ी सी तो देखो एडहेसिव कम हो ही जाती है एक बार लगाने के बाद, बट स्टिल ये रीयूज हो जाएगा। एंड बाद में ना तुम इनको ग्लू के साथ भी चिपका सकते हो, जिससे तुम लैशेज वगैरह लगाते हो ना तो वो फेस पे भी चिपक जाता है, ऐसे कुछ हार्म नहीं होता है। एंड ये मस्त काम आने वाले हैं, परफेक्ट। तुम्हें पता ही है कि मेरे को अपने बाल ऐसे खुले में रखने कितने ज़्यादा पसंद है, लेकिन उसके लिए भी एक हेयर स्टाइल आ गया है। नो मोर तुम्हें हेयर स्टाइलिंग में ज़्यादा दिमाग और मेहनत नहीं करनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू दिस हेयर बैंड। लेकिन मैं कब से इसे ट्राई और फिगर आउट कर रही हूँ, इसे खोलने का कहीं पर भी एरिया नहीं है, तो मेरे को इसे फाड़ना पड़ेगा। समर हॉलीडेज चल रही है हमारी, मेरे को कभी कभी ऐसा लगता है। इतना महंगा 450 रुपीज का ये हेयर बैंड मिला, इस पर से फ्लावर्स बने हुए हैं, पर्ल एंड राइनस्टोन्स। तो मैंने ये सेक्शन ले लिया आगे का, जिन्हें हम ट्विस्ट करेंगे, यहाँ पे हेयर बैंड लगा दो। इट्स अ टीम एफर्ट। ऐसे ट्विस्ट किया और इसको ऐसे खोला और इसमें ऐसे डाल दिया। ऐसे ही ना करते करते हमें सारे एक एक में डालना है, और जितने मेरे आगे बाल थे अब सब वो पीछे भी चले गए, और मुझे को वैसे भी नहीं पसंद फेस पे मेरे बाल आए। ओ ये यहाँ से खुल रहा है,
और इसको ऐसे अंदर घुसा दे. इट्स वेरी सिंपल, लाइक मैं खुद से भी कर पा रही हूँ. प्लीज टेक समवन्स हेल्प. मतलब हेल्प लेने में कोई ऐसे वो नहीं है, तुम ले सकते हो और क्लियर लुक अच्छा सा निकल कर आएगा. बट ये काफी अच्छे से होल्ड भी कर रहे हैं एंड मेरे बाल खींच नहीं रहा है, तो आई थिंक इसकी क्वालिटी अच्छी है, इस वजह से ये ऐसा है. आई डोंट नो, बट ये सुंदर बड़ा लग रहा है. एंड ऐसे कि प्रिंसेस टियारा फ्लावर वाला ऐसे हेड बैंड सा भी आ गया है ना, ऐसे मस्त गर्ली समरी सी वाइब आ गई है इवन विद अ ड्रेस लाइक दिस. अदरवाइज अगर मैं नॉर्मल सा हेयर बैंड लगाना, बस वो पीछे कर देता है बाल, ऐसे पफीनेस नहीं आती. अभी अच्छा टेक्स्चर लेयरिंग वगैरह सब अच्छा सा आ गया है, तो या इफेक्ट तो है एंड या इट काइंड ऑफ वर्क्स. आई लाइक इट. थोड़ा सा प्राइसी है बट काम तो करा यार. मेरे को एक लव ब्यूटी ब्लेंडर मिला है, मतलब वो सिर्फ नाम में नहीं उसकी शेप भी लव वाली ही है. ये कुछ इस पैकेजिंग में आया है, ऐसे दिल बना रखे हैं, दो डिफरेंट कलर्स है, पिंक एंड रेड. मेरे को 198 रुपीज का पड़ा है. यस, तो ये कुछ इस तरीके से आया है. वाओ, वेरी वेरी प्रिटी. ये दो ब्यूटी ब्लेंड, मेरे को लगा अभी तक कि एक पूरा बड़ा सा ब्यूटी ब्लेंडर आएगा, ये दो अलग अलग ब्यूटी ब्लेंडर है एंड इनको ऐसे जोड़ रखा है. ये तो दो ब्यूटी ब्लेंडर सेल करने की निंजा टेक्निक है. वाव यार, ऐसे वाले ब्यूटी ब्लेंडर तो नॉर्मल मार्केट में आते भी है, इन्होंने बस इसको ऐसे करके दे दिया. हम फंस गए हैं, ये तो बहुत ही स्मार्ट टेक्निक है यार. बट ठीक है, ये वैसे दिखने में काफ़ी सही लग रहा है, लाइक क्वालिटी वाइज. एंड 198 के दो पड़ रहे हैं, तो आई गेस ठीक है. मन नहीं कह रहा महंगे है, आई नो ये महंगे है, बट आई गेस दो आए एंड क्वालिटी सही लग रही है मेरे को. बट मेरे को पता है मेरे पास सस्ते वाले भी और वो इतने ज़्यादा मस्त वर्क करते हैं. मैंने एक बहुत पहले सरोजनी से लिया था, 20-30 रुपए का, पता नहीं 50 रुपए का, इतना मस्त वर्क करता है यार. बट पता नहीं ये भी सही होंगे. इमेजेस पे कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, रियल में कुछ और ही निकलता है, मैं बता रही हूँ. यार मेरे को लगता था कि आज तक सिर्फ चुपा चुप सी कैंडीज आती है, लेकिन लिप बाम भी आती है. इनफैक्ट इसमें दो शेड्स भी आते हैं. मैंने मंगवाया है वाटरमेलन किस वाली लिप बाम और ये कुछ इस तरीके से, बहुत ही छोटी है. एंड आओ इसे खोलते हैं. इसमें ओ, इसमें भी SPF 30 है. नाइस. ये मेरे को 238 रुपीस का पड़ा है एंड ये बहुत ही ऐसे छोटू सा आया है. ये वैसे दिखने में तो काफी लोकल सा लग रहा है मेरे को. आई डोंट नो, इसकी पैकेजिंग इज लाइक वेरी नॉर्मलिश. ओके, खुशबू तो स्ट्रॉबेरी जैसी आ रही है, बिल्कुल ही रेड स्टिक निकली है इसके अंदर से. ऐसे मन कर रहे इसे खा जाओ. ये दिखने में बहुत ही सुंदर और ग्लॉसी लग रही है जस्ट. ओके, इट्स ट्रांसपेरेंट, हल्का हल्का कलर चेंज कर रहा है ये. वाओ, ऐसी चीज़ें पसंद है मुझे. खुद में ही सरप्राइज हो जाऊँ मैं, पैसे खर्च करने के बाद भी कितना ही मज़ा आता है. एंड ये बिल्कुल भी स्टिकी स्टिकी नहीं है, लाइक परफेक्ट लिप बाम वाला ही इफेक्ट दे रहा है. इनफैक्ट मेरे को अच्छा लग रहा है ये लिप्स पे, ऐसे बुरा नहीं लग रहा. अगेन मुझे ये वाली चीज़ें ज़्यादा समझ नहीं आती बिकॉज नॉर्मली मैं वैसलीन ही लगा रही होती हूँ, बट अब ये लगाया है तो अच्छा से नरिशिंग मॉइस्चराइजिंग टाइप भी लग रहा है. इसमें SPF 30 भी है जो कि ये कह रहे हैं वो ठीक है. तो मेरे को ना ये चीज़ रेकमेंड हुई, पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या है, फिर मैंने रिसर्च की, पता चला कि ये कोम है. तो दिखने में तो बहुत ही बड़ा लग रहा था, ये बहुत ही टाइनी छोटू सा आया. देखते ही मेरा ऐसे मन सा खराब होगा क्योंकि 1350 रुपये का कोम है. यस, एंड ये इतना डर्टी आया है, ऐसा लग रहा है कि लाइक उनका पुराना पड़ा हुआ था एंड उन्होंने बस मेरे को दे दिया क्योंकि मैं ही एक स्टूपिड थी जो कि 1350 रुपये की कंघी खरीद रही थी. तो मैंने तो देखो इसे रिटर्न पर डाल दिया है, तो इस वजह से मैं ये सब तो नहीं निकालने वाली हूँ. आम be like very very honest with you guys. And मेरे को लगा था ये बड़ा सुंदर सा लगेगा मेरी वैनिटी पे एंड लाइक बहुत ही डिफरेंट सा है यार, बट नहीं, इट्स वेरी डर्टी एंड बहुत ही छोटू सा, लाइक इट्स काइंड ऑफ डैमेज ऑल्सो. एंड इसकी जो ये ब्रिसल्स है ना, इट्स वेरी पतला पतला, लाइक मेरे तो कुछ होगा भी नहीं, लाइक टोटल वेस्ट ऑफ मनी. तो ये जाने वाला है, बाय बाय कैटी. तो हमने आज क्या सीखा? फर्स्ट कि हमें ऑनलाइन चीज़ें काफ़ी रिकमेंड होती हैं, दिख के लगता है कि क्या पता ये हमें काम की चीज़ हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो हमें एक्चुअली में नीड हो, क्योंकि काफ़ी चीज़ें महंगी भी निकल जाती है. मे बी उनकी रिक्वायरमेंट ना हो, क्या पता तुम्हारे पास उसका ऑलरेडी सब्स्टिट्यूट घर पर रखा हो सस्ते में. तो ये वाली चीज़ें कंसिडर कर लेनी चाहिए कुछ भी खरीदने से पहले. लेकिन ऑब्वियसली चीज़ें हमने ट्राई की, काफ़ी मज़ा आया एंड काफ़ी चीज़ें वर्क भी करी, काफ़ी चीज़ें नहीं भी करी. तुम मुझे बताओ कि आज का सबसे अच्छा नहीं, सबसे बेकार प्रोडक्ट कौन सा था, इन द कॉमेंट्स डाउन बिलो. दूसरे वीडियो में मिलते हैं. बाय बाय, लाइक एंड सब्सक्राइब. बाय.